छोड़ो हमें छोड़ो। अरे छोड़ देंगे भाई तुमको। ये सब कहाँ आया? छोड़ो उसका दुपट्टा। तुम ठीक हो ना मैडम? आपको क्या हो गया है? सुहागन सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप पर हम देखने वाले हैं कि भाई फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, मैं सुहागन सीरियल के सेट से एक बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ आपके लिए, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई बिंदिया, पहले तो उसके हाथों में रिपोर्ट्स लगती है और वो डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि हो सकता है कि पायल ने जो किडनी डोनेट की है वो फेक हो, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ था वो वहाँ पर इलीगल काम भी होते हैं। एक लड़की की इस तरह बेइज्जती करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती है का? पता है ना एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालने वालों का कहाँ अंजाम होता है। अरे मैडम आज नाराज काहे हो रही है? पहले तो आपको लड़कियों की इज्जत और बेइज्जती का कोई फर्क नहीं। वहीं आगे हमें ये भी पता चलने वाला है कि भाई बिंदिया जो है उसे इस बात की सच्चाई पता चल जाएगी कि पायल ने कोई किडनी डोनेट नहीं की है यहाँ पर कृष को। और आगे एक नया ट्विस्ट आने वाला है कहानी में, जहाँ पर हम देखेंगे कि बिंदिया के सामने पायल और साक्षी की सच्चाई आ जाएगी, उसे सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर पायल और साक्षी ने मिलकर दोनों ने हाथ मिलाकर ये सारा गेम खेला है। और यहाँ पर उसे ये भी पता चलेगा कि हमारा गांव है, हमारी लड़की हमारी बहन जैसी है, अगर हमारी बहन पर किसी ने भी आंख उठाकर देखा तो सबकी आंखें नोच लेंगे, बता रहे हैं हम तुम्हें। तुम जाओ। मैडम आप आगे तो चली गई थी ना, तो दोबारा क्यों आई है? कुछ काम था क्या? काय कि ये सब कुछ चाल उन्होंने इसलिए रचा था क्योंकि उसे कृष के घर वालों से बदला लेना था, इसी के साथ साथ उन्हें सब उनके पूरे प्रॉपर्टी पर भी कब्जा करना था। आगे आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने वाले कि भाई बिंदिया जो है साक्षी को रंगे हाथों तो पकड़ती है मास्क पहने हुए, और यहाँ पर साक्षी को वो कहती है कि तुम्हें सभी घर वालों को सच्चाई बतानी होगी। तुम अनुमति लेकर आएंगे? ये हमारा गांव है। अरे मैडम आपके मूड का तो पता ही नहीं चलता है। बता दें अभी हमारा मूड तुम लोगों को पुलिस के हवाले करने का है। यहाँ पर पहले तो साक्षी मान जाती है और सभी घर वालों के सामने सभी चीजों को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन भाई यहाँ पर साक्षी भी कोई कम चालाक नहीं है। यहाँ पर वो पहले तो बोलेगी सब कुछ सच सच, लेकिन आगे ये सब कुछ बिंदिया पर थोप देगी। वो कहेगी कि बिंदिया ने मुझे ब्लैकमेल किया था ये सब कहने को। अब आगे ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या सभी घर वाले जो है इस बार बिंदिया की बात पर भरोसा करेंगे या फिर दोबारा से इस बार बिंदिया को घर से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।